नमस्कार, मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। लखनऊ के इको गार्डन में यूपी 112 की लड़कियों ने बिना मांग पूरे हुए अपना धरना 7वें दिन समाप्त कर सभी लड़कियां अखिलेश यादव के आवास पर पहुंची। वहां दिए जलाकर सपा प्रमुख और उनकी पत्नी संग मनाई दीपावली। बिजनौर जनपद में ग्रामीण व शहरी इलाकों में दीपावली का पर्व धूमधाम से मनाया गया। लक्ष्मी गणेश की पूजा अर्चना कर लोगों ने जमकर की आतिशबाजी। मिठाई के साथ उपहार देकर एक दूसरे को दी दीपावली पर्व की बधाई। बिजनौर में तेज रफ्तार टाटा मैजिक गाड़ी ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर हुई मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिजनौर के मंडावर में घर के लिए मिट्टी लेने गए युवक की मिट्टी की ढांग में दबकर हुई मौत। युवक की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। इस दौरान पिता और भाई के साथ किसी तरह उनकी बची जान। बिजनौर के सिहारा इलाके में 10 दिन पहले रोडवेज बस और गर्म तारकोल के भरे टैंकर में हुई टक्कर के हादसे में बस में खोलता हुआ तारकोल गिरने से 10 लोग झुलसे थे। उन्हीं में से एक व्यक्ति की इलाज के दौरान हुई मौत। बिजनौर में देर रात पटाखे की चिंगारी से दो अलग अलग जगह आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ राख। मौके पर पहुंची पुलिस व दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बिजनौर में दिनदहाड़े चोरी के इरादे से बंद कमरे में घुसे दो चोरों को मोहल्ले वासियों ने रंगे हाथों पकड़ा। स्थानीय लोगों ने दोनों को पकड़कर पुलिस को सौंपा। पुलिस आरोपियों को हिरासत में लेकर मामले की जांच में जुटी। बिजनौर के नजीबाबाद में तेज रफ्तार रोडवेज बस व ई रिक्शा में हुई टक्कर में 5 यात्री हुए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। अमरोहा में शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक दीपावली का पर्व धूमधाम से मनाया गया। लक्ष्मी गणेश की पूजा अर्चना कर लोगों ने जमकर की आतिशबाजी। साथ ही मिठाई के साथ उपहार देकर एक दूसरे को पर्व की दी बधाई। संभल में दीपावली के त्योहार पर जमकर हो रही आतिशबाजी के बीच छत पर रखे बाजरे के पुलों में लगी आग। छत पर रखे पुलों के साथ अन्य सामान जलकर हुआ राख। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर पाया काबू। संभल में दिनदहाड़े महिला की गर्दन काटकर की हत्या। घटना के समय पति अपने बेटे को लेकर घर से गया था बाहर। वापस लौटा तो पत्नी की खून से लथपथ लाश मिलने से मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच में जुटी। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कौन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। अब खबरें विस्तार से। संभल में दिनदहाड़े महिला की गर्दन काटकर हत्या कर दी गई।
पति अपने बेटे को लेकर घर से बाहर गया था। जब वापस लौटा तो पत्नी की लाश मिली। घटना की जानकारी पुलिस को मिली तो वह मौके पर पहुंची। एसपी ने घटना स्थल का निरीक्षण किया है। वहीं फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल से साक्ष्य एकत्र किए हैं। पुलिस ने मृतक महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पूरा मामला संभल की सदर कोतवाली संभल क्षेत्र के मोहल्ला नाला का है। दिन दहाड़े घर में घुसकर महिला की गला काटकर हत्या कर दी गई। मोहल्ला नाला निवासी शाहनवाज पुत्र नूर हसन का निकाह 4 साल पहले जनपद अमरोहा के गांव आदमपुर निवासी रौनक से हुआ था। शाहनवाज ड्राइवरी का काम करता है और वह मूल रूप से चौधरी सराय मुशर्रफ कॉलोनी का रहने वाला है। कुछ समय से मोहल्ला नाला में किराए पर परिवार से अलग रह रहा था। शाहनवाज अपने 2.5 साल के बेटे को लेकर किसी काम से बाहर गया था। जब वह वापस लौटकर आया तो गर्दन कटी उसकी पत्नी की लाश पड़ी थी। दिन दहाड़े हुई महिला की हत्या से क्षेत्र में सनसनी मच गई। पड़ोसियों ने घटना की जानकारी कोतवाली संभल पुलिस को दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद इंस्पेक्टर पवन कुमार सिंह और सीओ जितेंद्र कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने महिला के शव को अपने कब्जे में लिया। घटना की छानबीन शुरू कर दी है। एसपी कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि एक महिला रौनक पत्नी शाहनवाज का शव उसकी ससुराल के घर पर मिला है। उसके गले पर धारदार हथियार से चोट की हुई थी। इस सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, साथ ही फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची है। इस संबंध में घटना स्थल पर जानकारी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। थाना संभल से चौधरी सराय चौकी के अंतर्गत मुशर्रफ कॉलोनी से आज पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला जिसका नाम रौनक पत्नी शहनवाज है का शव अपने ससुराल स्थित घर में पड़ा हुआ है तथा उसके गले पे किसी धारदार हथियार से चोट की हुई है। इस सूचना पर तुरंत थाना पुलिस तथा मेरे और फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और शव को पंचायत नामे की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। चांदपुर नगर में प्रतिवर्ष मनोरंजन की दृष्टि से नुमाइश का आयोजन होता रहा है। गत वर्ष भी पुलिस कोतवाली के निकट नुमाइश का आयोजन किया गया, जो पूरी तरह से विवादित रहा। गत वर्ष जहां पर अनुमति मिलने के बाद नुमाइश का आयोजन किया गया था, ठीक उसी के पीछे दूसरी नुमाइश के लिए झूले एवं दुकान 1 महीने तक अपना सामान लेकर पड़े रहे। अनुमति न मिलने के कारण उनको वापस लौटना पड़ा। पुलिस कोतवाली चांदपुर के पास चांदपुर महोत्सव मेला नाम से प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें झूला, मोटर बोट, खेल खिलौने की दुकान एवं इलेक्ट्रॉनिक आइटम पूरी तरह लग चुके हैं। इस नुमाइश के आयोजक सौरभ कुमार का कहना है कि हमें नियमानुसार अनुमति मिल गई है, बहुत जल्दी नुमाइश का उद्घाटन किया जाएगा। वही बिजनौर वाले रेलवे क्रॉसिंग से आगे हिंदू इंटर कॉलेज के कृषि मैदान में भी नुमाइश पूरी तरह से तैयार है, जिसमें बड़े झूले, हिंडोले, सकस व इलेक्ट्रॉनिक रेल सहित वाटर मोटर बोट पूरी तरह से लग चुके हैं। दुकानदार अनुमति के बाद उद्घाटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस नुमाइश के आयोजक मीर साहब से संपर्क करने का प्रयास किया गया, परंतु उनसे संपर्क नहीं हो पाया। अब देखना है कि छोटे से शहर में दोनों नुमाइश चलती हैं या पिछले साल की तरह नुमाइश में विवाद की स्थिति बनेगी। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। योगीराज में खनन माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने सख्त निर्देश दे रखे हैं। जेसीबी मशीन से तथा डंपरों से खनन नहीं किया जा सकता है। इसके लिए पुलिस ने बहुत सख्ती कर रखी है। चांदपुर थाना अंतर्गत ग्राम धुंधली में दिन में ही पुलिस ने एक जेसीबी मशीन एवं डंपरों को अपने कब्जे में ले लिया है, जो नियमों का उल्लंघन करते हुए कई दिनों से खनन कर रहे थे। पुलिस को मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने चांदपुर से 6 किलोमीटर दूर ग्राम धुंधली में नहर के पास एक स्थान पर जेसीबी को मिट्टी खोदते हुए तथा डंपरों में मिट्टी को भरते हुए पाया गया। पुलिस ने 2 डंपर एवं 1 जेसीबी को अपने कब्जे में लेकर पुलिस कोतवाली चांदपुर लाकर खड़ा कर दिया है।
पुलिस के अनुसार विधिक कार्यवाही जारी है। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। अमरोहा के रजबपुर थाना इलाके में नेशनल हाईवे 9 पर रजबपुर के निकट मेरठ से मुरादाबाद जा रही एक डीसीएम का टायर फटने से हाईवे पर ही पलट गई। डीसीएम में भरे तेल और रिफाइंड के 3 डीसीएम पलटने से फट गए और उनका तेल सड़क पर बिखर गया। सड़क पर तेल बिखरने से हाईवे पर फिसलन हो गई, जिसकी वजह से कुछ समय के लिए हाईवे पर ट्रैफिक को रोका गया। साथ ही पुलिस ने मिट्टी डलवाकर यातायात को सुचारू कराया। उधर डीसीएम चालक को गंभीर हालत में रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार मेरठ निवासी चालक वसीम डीसीएम में तेल के 3 लादकर अमरोहा और मुरादाबाद जा रहा था। जैसे ही वह डीसीएम लेकर नेशनल हाईवे पर रजबपुर थाना इलाके में पहुंचा, तभी डीसीएम का टायर फट गया, जिससे डीसीएम अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और हाईवे पर ही पलट गई। इस हादसे में चालक केबिन में फंस गया, जिसे हादसे के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने बाहर निकाला और अस्पताल ले गए। उधर सूचना मिलते ही थाना पुलिस भी मौके पर आ गई, जहां पुलिस ने हाईवे पर बिखरे तेल को मिट्टी डलवाकर यातायात को सुचारू कराया। ब्यूरो रिपोर्ट। अभी तक में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कौन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें अभी तक न्यूज चैनल। संभल में दीपावली के त्योहार पर जमकर हो रही आतिशबाजी के बीच छत पर रख बाजरे के पुलों में आग लग गई। छत पर रख पुलों के साथ अन्य सामान भी जलकर राख हो गया। आग की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। मामला थाना गुन्नौर क्षेत्र के कस्बा बबराला के राजघाट रोड का है। राजघाट निवासी नीरज के छत पर बाजरे के पुले रखे थे और नीरज दुकान पर नीचे अपनी दुकानदारी में लगा था। घर के अन्य लोग दीपावली के त्योहार में व्यस्त थे। इस दौरान आसमान में जमकर हो रही आतिशबाजी के बीच एक पटाखा बाजरे के पुलों पर आ गिरा। देखते ही देखते पुलों में भयंकर आग लग गई। आग लगने का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना की सूचना पुलिस के माध्यम से दमकल विभाग को दी गई। तत्काल दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से छत पर रख पुलों में लग रही भयंकर आग पर काबू पाया। जब तक आग पर काबू पाया गया, तब तक करीब हजारों रुपए का नुकसान हो चुका था। इस घटना के बाद पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया और लोगों ने एहतियात बरता। उर्मिला ने बताया कि एक पटाखा जाकर उनकी छत पर गिरा और बाजरे के पुलों में आग लग गई। आग बुझाने वाली गाड़ी मौके पर आ गई थी, लेकिन जब तक आग लग चुकी थी। नीरज ने बताया कि वो दुकान पर बैठे थे, तभी देखा कि छत पर आग लग रही है और दौड़कर वह छत पर पहुंचे, लेकिन फैल चुकी थी। दमकल विभाग की टीम मौके पर आई और उन्होंने आग पर काबू पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट। कैसा लगी है आग? लग गई है पटाखे तो क्या जला है? पूरा बाजरा के। अच्छा, तो दमकल आ गई आपके यहाँ आग बुझाने? दमकल आई है? आई है, आई है, आई है। अच्छा, कुछ नहीं था, मैं तो दुकान पे बैठा था, दुकान से ऊपर गया, मैंने देखा आग लग रही है। मैंने जल्दी जल्दी पूरा फेंके, मैंने आग बुझाने की कोशिश करी, जब तक गाड़ी आ गई आग बुझाने वाली। अच्छा, तो कितनी देर आग लगी है, कितना नुकसान है, इसमें कुछ आइडिया है? इसमें नुकसान तो है, 50-40 हजार का ज्यादा नुकसान तो ना है। क्या जला है? पूरा पूरे जले हैं, पूरे जले। मुरादाबाद में दीपावली की आतिशबाजी के बीच एक पटाखा संभल रोड की झुग्गी झोपड़ियों पर गिर गया, जिससे 12 झुग्गियां जलकर राख हो गईं। झुग्गियों में रखे सिलेंडरों में इस दौरान ब्लास्ट हो गया, जिससे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आसपास के 3 मकानों, एक लकड़ी की टाल और परचून दुकान को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों को करीब 3 घंटे का वक्त लगा।
हादसा संभल रोड पर कोहिनूर तिराहे के पास धर्मकांते के सामने सड़क किनारे पड़ी झुग्गियों में हुआ। प्रत्यक्षदर्शी मोहम्मद आसिम ने बताया कि अचानक झुग्गियों में आग लगी, देखते ही देखते वो विकराल हो गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को कॉल किया, लेकिन कई बार कॉल करने पर भी फोन रिसीव नहीं हुआ। इस पर स्थानीय लोगों ने सीधे एसएसपी हेमराज मीना को कॉल कर दी। एसएसपी के निर्देश पर मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंची। आसपास के फायर स्टेशन और प्राइवेट फैक्ट्रियों के फायर टेंडर्स को भी मौके पर बुला लिया गया। कप्तान के निर्देश पर सीओ कटघर और सीएफओ भी मौके पर पहुंचे। आसपास के थानों का फोर्स भी मदद करने के लिए मौके पर रवाना कर दिया गया। लेकिन इस बीच झुग्गियों में रखे गैस सिलेंडरों में ब्लास्ट शुरू हो गया। एक एक कर तीन गैस सिलेंडरों में ब्लास्ट होने से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सीएफओ ने बताया कि झुग्गियों में करीब 20 परिवार और 100 लोग थे। किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। चपेट में आए आसपास के 2-3 मकानों से भी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट। बिजनौर में दिनदहाड़े चोरी के इरादे से बंद घर में घुसे 2 चोरों को मोहल्ले वासियों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। स्थानीय लोगों ने दोनों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस आरोपियों को हिरासत में लेकर मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल ये पूरा मामला बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला काजी पाड़ा का है, जहां एक बंद मकान में 2 चोर चोरी के इरादे से घुस गए। इसी दौरान अपने मकान की छत पर बैठे एक पड़ोसी ने छत से चोरों को चोरी करते देखा तो उसने शोर मचा दिया। शोर सुनकर आसपास के काफी लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने दोनों चोरों को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस को स्थानीय लोगों ने दोनों चोरों को सौंप दिया। पुलिस दोनों को लेकर थाने पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। वहीं इस मामले में तहसील चौकी प्रभारी मीर हसन का कहना है कि 2 युवकों को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा है। अभी तक तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, मामले की जांच की जा रही है। जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। बिजनौर के नजीबाबाद में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने ई रिक्शा में मारी टक्कर, 5 यात्री घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। दरअसल आपको बता दें, बिजनौर के थाना नजीबाबाद क्षेत्र के जलालाबाद पुल के पास तेज रफ्तार रोडवेज बस ने ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें ही रिक्शा में सवार 5 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान यात्रियों में चीख पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने सभी घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। अभी तक में खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।